एक दफा देख लो बस, फिर नहीं आना ना। उस्ताद जी क्यों बोला है मुझे? आखिरी दफा, ये लास्ट टाइम है, उसके बाद नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी। सही है, आ जाओ मैं दिखाऊं। आ जाओ आराम से। शोर नहीं करो। चुप, बिल्कुल चुप। चलो यार, खोलो यार, दिखा दो इनको। शोर नहीं करना, जानवर डर जाएंगे। चुप करके, चुप करो, चलो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार कल भी सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आ गए थे, लेकिन आज कल से ज्यादा हैं। पता नहीं यार क्यों आ जाते हैं बार बार। इनको हमने कल भी बोला था कि भाई आप एक दफा आ चुके हो, बार बार ना आना। आज फिर सिपहान आ गए यार। आज खोलते हैं हम शेर को। हाँ, फिर ये खुद बखुद। ये सही कह रहे हो तुम भाई, हम शेर को खोल रहे हैं। तैयार रहना, दरवाजा बंद कर दो, शेर को खोल रहे हैं हम। भाग गए यार, नहीं खोल रहे, ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं। खोलेंगे नहीं हम। क्या हुआ है? खोल दें। खोलो यार, खोलो। चलो बस करो यार, बस करो, काफी। चलो ठीक है, ओके, जाओ, शाबाश, जाओ। और किसी ने डरा रहे हो यार बच्चों, देखो अब इसलिए कह रहे थे आपको, जानवर डरते हैं, हमारी मजबूरी है। अगर एक दो बच्चे आते हैं ना फिर ठीक है, लेकिन इतने जब आते हैं ना फिर जानवर डर जाते हैं। मोरों की अजीब आवाजें, भैंसें भी, शेर तक डर जाता है, तो इसलिए हमें हटाना पड़ता है इनको। चलो भाई, आराम से। भाग गए सारे बच्चे, चले गए। तो आज दोस्तों हमारे इन प्लॉट्स की होगी सफाई। काफी भाई हमें कह रहे थे कि भाई आप जल्दी से अपना न्यू मिनी ज़ू बनाएं और फिर यहाँ पर अपने जानवरों को शिफ्ट कर दें, तो आज सफाई हो जाएगी, उसके बाद फिर मट्टी आएगी और फिर दीवारें आएंगी। बस जल्दी जल्दी यार काम शुरू हो जाए, अब मुझसे सबर नहीं हो रहा यार। जल्दी से हम अपने एनिमल्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दें। बस अभी ट्रैक्टर आने वाला है सिपहान, ट्रैक्टर से करा रहे हैं हम ना सफाई। अच्छा प्लॉट बनाना। हाँ, बहुत अच्छा सा बनेगा मिनी ज़ू हमारा, उससे बड़ा बनेगा चाचू हमारा, ठीक है। इसके मुंह को क्या हो गया सिपहान? चॉकलेट के मुंह को देखो यार, इसने होंठ क्यों उठाए हुए हैं अपने? पागल हो गया क्या? चॉकलेट किस तरह की हरकत कर रहा है यार? मैं देखता हूँ। ठीक है, कुछ ठीक है, ड्रामे करो। मैंने समझा यार कोई भीड़ तो नहीं काट गया इसको। नोट किया तुमने क्या? इसके दांत कितने साफ थे। साफ थे, साफ सुथरे, जैसे रोज ब्रश करता हो। हाँ भी कैसे, कल जो तुमने हमारे साथ किया है ना, यकीन करो हमारी जान हलक में आ गई थी, बल्कि क्या कहते हैं हम तो भाई ऐसे कर रही है सिपहान, वो सुधरती ही नहीं है। कैसी भाई बेहोश है, बीपी लो हो गया था मेरा भाई जब मैं भाग रहा था, मैंने कहा गई तो बस गई, लेकिन शुगर है वापस आ गई थी यार। अभी तक वही सीन है इसका, क्या करे थोड़ा। ये पागल है सिपहान मेरे ख्याल में, अब इसका दिमाग खराब हो गया है, ये तो पुरानी बात है। लेकिन अभी जैसे कैसे भी है वैसे ही इसके साथ हम गुजारा कर लेते हैं थोड़ी दिन, देखते हैं क्या करना है फिर। वो देखें दोस्तों, एक बच्चा वो घूम रहा है, एक उस डरबे के साथ बैठा हुआ है और एक उस कोने में है। वो देखें कैसे चले गए यार, पहले इधर रहते थे और अब उस जगह पे रहना शुरू कर दिया इन्होंने। और देखें ये भी बच्चा बैठा हुआ है, अब मेरे बोलने पर ये डर नहीं रहा, मतलब इनका डर थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। चले, ये तो अच्छा हो गया यार। आ गया सिपहान मेरे ख्याल में, ट्रैक्टर आ गया। ये किसे सफाई करेगा? ये कर लेगा सफाई, क्यों नहीं करेगा, पीछे ब्लेड नहीं लगी हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, हमारे प्लॉट की सफाई करने के लिए भाई आ गए, तो अब ये सफाई हो गया। देखते हैं अब हमारा प्लॉट कैसा लगता है साफ होने के बाद। अभी तो बहुत ज्यादा कचरा यार, सारा गंदगी है, पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ है ये कचरा, तो आज साफ हो जाएगा। चलो भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला काम हमारे जू का शुरू होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भैया, इस तरह ना सारी सफाई हो जाएगी, फिर बहुत प्यारा लगेगा हमारा प्लॉट। तो यार अभी नवीद भाई और सिपहान ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गए हैं, क्योंकि यार ये जो ब्लेड है ना ये सही से जमीन पर नहीं लग रही थी, तो भाई ने बोला इसके ऊपर आप वजन दें ताकि फिर ये मट्टी को सही से धकेल पाए, तो अभी वही कर रहे हैं दोनों। और मैंने भी बोला भाई मैं भी बैठूंगा, अब मेरी बारी है, मैं जाता हूँ। तो यार माशाल्लाह से काम बड़े जोर शोरों से जारी है, हम भी साथ साथ हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मट्टी जरा धकेल में मुश्किल हो रही थी, मैं और प्रात दोनों कर रहे हैं।
ओके तो भाई मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर चलाने लगा हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता और डर भी बहुत आने लगा है। बहुत मजा है यार, गाड़ी से ज्यादा इसमें मजा है। तो यार मुझे लगता है मैंने सही नहीं चलाई, जिसकी वजह से ना ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी दोबारा से इसको धक्का शक्का लगा रहे सब, लगाओ जोर सारे। खराब हो गया यार, मैंने तो नॉर्मल चलाया। चल गया यार, चल गया, ऐसे कह रहे थे तुम। तो शाम हो चुकी है दोस्तों और हमारा अभी तक काम जारी है। भाई ये साफ सुथरा कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे का काम कल सुबह होगा। तो अभी हम आ गए ऊपर, ऊपर वाले परिंदों को देख लेते हैं। ऐश और फियोना के पास जाते हैं, उनको जरा बता देते हैं भाई तुम्हारा घर बनने जा रहा है बहुत जल्द, आ जाओ सितेन। चलो यार तुम थक गए हो। हाँ यार, तुमने चलाया ट्रैक्टर? हाँ जी। नहीं चलाया तुमने? थोड़ा सा चलाया तुमने। चलो आओ। किधर हो ग्रे? इधर आओ, ये लो तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ मैं, ये लो। शाबाश यार, ये कुछ अमरूद हैं और साथ में इसके ऊपर हमने ना थोड़ी सी कंगनी डाल दी है, तो ग्रे को दिखाते हैं, खुद आएगा खाने के लिए ना। काटो नहीं यार मुझे, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। खुद डर रहा यार, आएगा, नीचे रखो, नीचे रख देते आएगा देख के ना। आ जाओ, ओ जल्दी से नीचे आ जाओ, ये जा रहे हैं तुम्हारे ग्रीन पैरट्स, आ जाओ खा जाएंगे, जल्दी आओ। बस पहुँच गया वो, पहुँच गया वो यार। उसको फिक्र नहीं है खाने की, उसने वो डाइट पे होगा शायद, ये भी हो सकता है मेरे साथ। यहाँ पर दोस्तों हमारी फिशेस खाना खा रही हैं और मेरे ख्याल में सीता तुमने ज्यादा डाल दिया यार, सुबह भी मैंने डाला था, अभी फिर वापस ज्यादा डाल दिया। यार ऐसे लगता है इतनी बड़ी बड़ी मछलियां तो ज्यादा खाती होंगी, बट नहीं ना यार, बहुत ज्यादा डाल दिया सारा, देखो हर जगह पे दाना है दाना है दाना। हाँ ना, हटाओ इसको सिप्तान। हाँ खरगोश तो माशाल्लाह से फुल एक्टिव है यहाँ पर, खुश है भाई। हमने ना इनको गाय वाला खाना दे दिया है और ये बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह। तो अभी इनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं और मैं आपको और चीज एक दिखाता हूँ। ये देखें यार, ये सर्दी से बचने के लिए हमने अपने पिजन्स को कवर किया है और इंशाल्लाह हमारे पिजन्स को ना अब सर्दी नहीं लगेगी क्योंकि अब कवर हो चुका है, कोई मसला नहीं होगा इनको। और अब मैं आ गया हूँ अपने ऐश और फियोना को, और इनके लिए सर्दी का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि इनको सर्दियों में बहुत ज्यादा मजा आता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐश और फियोना का हम घर बहुत जल्द बनवा लेंगे, वहाँ पर काम शुरू हुआ पड़ा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे प्लॉट की सफाई हो चुकी है, भाई भी चले गए हैं और शाम भी हो चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। हमने दोनों प्लॉट ले लिए और बहुत जल्द हमारा मिनी जू यहाँ पर बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।